हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनोद कुमारी। सात्विक रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक और सैलड की नई रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है गार्डन सैलड विद कैश्यू एंड लेमन ड्रेसिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गार्डन सैलड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है बीटरूट, जिसको मैंने अच्छे से स्टीम कर लिया है। एक बाउल लिया मैंने गाजर, इसको भी अच्छे से स्टीम कर लिया है। और दो आलू लिए हैं, इसको भी अच्छे से स्टीम कर लिया है। और एक मैंने कुकुम्बर लिया है, एक टमाटर लिया है। एक बाउल मैंने जुकीनी ली है, इसको भी मैंने स्टीम कर लिया है। और ड्रेसिंग के लिए हमें यहाँ चाहिए आधा कप जो है वो काजू लिए हैं मैंने, जो कि मैंने 5 से 6 घंटा इसको भिगो के रखा था। और 4 से 5 मैंने यहाँ पर खजूर लिए हैं, जिसको भी मैंने अच्छे से भिगो के रखा था 3 से 4 घंटा के लिए। और यहाँ पर मैंने रोस्टेड मूंगफली ली है, जिसको हल्का सा क्रश भी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है तिल, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। यहाँ पर मैंने नमक लिया है, सेंधा नमक लिया है। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने लेमन जूस लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है काली मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम ड्रेसिंग बना लेंगे। ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं काजू इसमें डालूंगी, खजूर डाल दूंगी इसके अंदर, लेमन जूस, काली मिर्च पाउडर और नमक मैं थोड़ा सा ही इसमें डालूंगी। और इसके अंदर जाएगा 1/2 कप के जितना पानी। अगर पानी कम लगा तो हम बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने सैलड के लिए ड्रेसिंग तैयार की कर ली है, और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच पानी का और ऐड किया है। अभी हम सारे के सारे सैलड को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे बीटरूट, जिसको मैंने स्टीम कर लिया था। उसके बाद इसमें आलू जाएगा, इसको भी मैंने स्टीम किया हुआ है। ये गाजर, 2 छोटी छोटी गाजर काटी है, इसको भी मैंने स्टीम किया हुआ है। और ये 1 बाउल जुकीनी है, इसको भी मैंने स्टीम कर लिया था। अभी इसके अंदर जाएगा कुकुम्बर, एक टमाटर, अब इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जाएगी ड्रेसिंग जो हमने बना के रखी थी। अब इसके अंदर जाएगा मूंगफली का पाउडर, जो मैंने बना के क्रश करके रखा हुआ था। और ये है रोस्टेड तिल। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
हमारा ये सैलड जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में डालेंगे। अगर इस सैलड को आपने ऑफिस में लेके जाना है तो अपनी ड्रेसिंग अलग से रखिए डब्बी में, और ऑफिस में जब भी खाने का टाइम हो उस टाइम ड्रेसिंग को मिला के आपका सैलड तुरंत रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसकी गार्निश करने के लिए मैं थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली ऊपर से डालूंगी, थोड़े से तिल भी ऐड करूंगी। तो लीजिए, गार्डन सैलड बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी अपने घर में इस गार्डन सैलड को मेरे स्टाइल में जरूर ट्राई करना और एंजॉय करना। थैंक यू सो मच।